हाय फ्रेंड्स, आज मैं सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे अपना 3-4 साल पुराना यूटीआई बिना किसी एंटीबायोटिक के क्योर किया। सो लेट्स सी। मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिन इन्फेक्शन होता था। मैं एक ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पे मॉडरेट वेदर रहता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो इस मॉडरेट वेदर में बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते विदाउट एंटीबायोटिक लिए हुए। तो मैं हर दूसरे तीसरे महीने, कभी कभी तो 15 दिन में ही मुझे रिपीट हो जाता था, परेशान हो जाती थी। एंटीबायोटिक लेते लेते लगातार 1 साल 2 साल लेते लेते मैं परेशान हो चुकी थी, लेकिन मेरा क्योर नहीं हो रहा था। आए दिन मुझे होता रहता था और ये सारा कुछ कभी कभी 1 महीना कंटिन्यू चलता था। तो आप सोचिए कि 1 महीने आपको अगर यूरिन इन्फेक्शन है, उसी में आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो कितनी सारी मुश्किल होती है। आप पैड नहीं ले सकते, अलग अलग तरीके की, रात में सो नहीं सकते, बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम आती थी। तो जैसा कि हम सब करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आजकल हम इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं उसको कैसे क्योर करना है, हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं सारे प्रिकॉशन लेती थी, सारा हाइजीन मेंटेन करती थी, लेकिन कुछ खास मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा और फिर उन्होंने जो मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने जब वो फॉलो किया, तो यकीन मानिए मैं जो 3-4 साल परेशान रही वो मेरा विद इन 15 डेज ठीक हो गया। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन लेती हूँ। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी परेशान है वो उस तरह से एक बार देख करके देखें, बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ किया मैंने। तो एंटीबायोटिक खा खा के मेरे अंदर की जितनी भी गुड बैक्टीरिया थी वो ऑलमोस्ट किल हो चुकी थी और बैड बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर पा रही थी उसमें। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि मैंने एक गुड बैक्टीरिया लेना शुरू किया जो कि स्पेशली उसी जगह के लिए ही बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले उसको। तो ये देखिए, ये बिलियन शेयर का वुमेन्स प्रोबायोटिक है। इसमें ये 60 वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं और ये इनमें सब कुछ फ़ायदा दिया हुआ है। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ और ये सारा कुछ हमारे यूरिन इन्फेक्शन के लिए बेनिफिशियल है। इसमें जो भी बैक्टीरिया है और जो जो हमें ज़रूरत है, पीएच लेवल वगैरह है, वो सब इसमें मेंटेन होता है। तो दूसरी चीज़ मैंने क्या ली, जैसे मैं सफ़र कर ही रही थी यूटीआई से, तो मुझे पता चला कि डी मैनोनोस करके कैप्सूल्स आता है विद क्रैनबेरी। तो वो क्या करता है कि वो भी इसमें बेनिफिशियल होता है। वो उस समय अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बैक्टीरिया को जोड़ के यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो फिर मैंने वो भी ऑर्डर किया और वो भी मंगवा लिया। मैं दिखाती हूँ कि वो कैसा है दिखता। तो ये देखिए, ये जेनिथ कंपनी का है, क्रैनबेरी प्लस डी मैनोनोस। इसमें कैप्सूल्स आते हैं और इससे मुझे इमीडिएट रिलीफ मिला। तो अब तीसरी बारी थी जो मुझे जो बैक्टीरिया थी मेरे अंदर उन्हें किल करना था विदाउट एंटीबायोटिक। तो मुझे पता चला कि जिंक और प्लस कॉपर मिलके उसे आसानी से किल कर सकते हैं बिना किसी एंटीबायोटिक लिए हुए। तो मैंने वो ऑर्डर किया, वो मैं दिखाती हूँ कि कैसा रहता है। ये देखिए, जिंक बैलेंस है जैरो कंपनी का, इस प्लस कॉपर है इसमें। तो इसने मुझे हेल्प किया बैक्टीरिया को किल करने के लिए और साथ ही साथ सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। तो बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। उसके बाद मुझे ज़रूरत थी कुछ ड्रिंक की और कुछ न्यूट्रिशन की भी, जो मुझे थोड़ा सूदिंग दे और कुछ अच्छा फील हो जिससे। तो मुझे मिला है एक यूटीआई का ही ड्रिंक था जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उससे भी मुझे अच्छा सूदिंग का काम किया और काफ़ी रिलैक्स फील हुआ उसको पी के। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये देखिए, ये वो ड्रिंक है जिसमें आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशंस है और यूटीआई के लिए ही स्पेशली है। तो इसको मैंने लिया और मुझे काफ़ी आराम हुआ। सो इस तरह से मैंने अपना यूटीआई क्योर किया बिना एंटीबायोटिक के, थैंक्स टू दैट एंजल जिन्होंने ये बताया और मैंने फॉलो किया। टिल देन, बाय बाय।